हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड इवनिंग, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो बेल्ट्रॉन स्पेशल है, बेल्ट्रॉन की क्रैश कोर्स है। इस वीडियो में एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो एमसीक्यू जो कि टीसीएस अपने कंप्यूटर के एग्जाम में पहले से पूछा हुआ है, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास जो आपके बेल्ट्रॉन के DEO एग्जाम का ठेका है, तो जो टीसीएस के क्वेश्चन है केवल उसी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। सबसे पहले आपको कंटेंट दिखा देते हैं, एमसीक्यू बेस्ड कंटेंट है पूरा, ठीक है। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं पूरे, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो टीसीएस बार बार अपने एग्जाम से पूछता है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जा सकते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री पीडीएफ और फ्री एमसीक्यू टीसीएस कंटेंट के लिए। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, यानी कि जो सूचना तकनीकी होता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट घटक, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है जो टेलीफोन है किस संचार पद्धति पर वर्क करता है। तो जो टेलीफोन है आपका फुल डुप्लेक्स संचार पद्धति पर वर्क करता है। टेलीफोन किस पे वर्क करता है, टेलीफोन फुल डुप्लेक्स संचार पद्धति पर वर्क करता है। भारत में इंटरनेट का विकास कब हुआ, तो हमारे देश भारत में इंटरनेट का विकास हुआ 15 अगस्त 1995 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में इंटरनेट का विकास कब हुआ, विकास मतलब कि डेवलप, तो भारत में इंटरनेट डेवलप हुआ 15 अगस्त 1995 में। फोर्थ क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट क्या होता है। तो वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज का कलेक्शन। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा एग्जाम में आता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज का कलेक्शन, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज नोन एज वेबसाइट। मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो यदि किसी मैसेज को आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड करना है तो उसकी सब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईमेल, तीनों चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके द्वारा मैसेज के साथ फाइल को भी भेजा जा सकता है उसको क्या कहते हैं, अटैच। आपको ही पता है, आप मेल करते होंगे किसी फाइल को, अगर भेजते हैं तो उस फाइल को अटैच करके सेंड किया जाता है, ठीक है। मेल में और भी चीज़ होते हैं, BCC, CCC, ट्रैश, स्पैम, स्पैम का मतलब होता है फालतू। यदि इनबॉक्स से मेल को हम डिलीट कर देते हैं तो मेल डिलीट होने के बाद ट्रैश में 30 दिन तक रहता है, ठीक है। FTP का पूरा नाम क्या है, FTP का एब्रीवेशन क्या है, FTP का एब्रीवेशन होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP का होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी तरह एब्रीवेशन पूछते हैं LAN का, लोकल एरिया नेटवर्क, WAN का, वाइड एरिया नेटवर्क, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इस तरह के एब्रीवेशन बार बार रिपीट होते हैं बेल्ट्रॉन एग्जाम में। विभिन्न विषयों पर आने पर अपने विचार रखने की प्रोसेस है, विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखने की प्रोसेस है यूजनेट, उसको कहते हैं यूजनेट। IRC से क्या अभिप्राय है, यानी कि IRC का एब्रीवेशन पूछा है तो इसका एब्रीवेशन होता है इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैटिंग किस तरह का कम्युनिकेशन है, चैटिंग किस तरह का कम्युनिकेशन है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, ठीक है। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देखते हुए इंफॉर्मेशन स्टोर करने की प्रोसेस है सफरिंग, ठीक है। सफरिंग या फिर इसको ब्राउजिंग में कह सकते हैं, जैसे कि आप लोग किसी भी इंटरनेट ब्राउजर में जाते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स होगा, गूगल क्रोम हो गया, ये सब वेब ब्राउजर हैं। इस वेब ब्राउजर में जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं या फिर सफरिंग करते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देखते हुए इंफॉर्मेशन स्टोर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, सफरिंग कहलाती है। इनमें से सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला वेब ब्राउजर है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। नेटस्केप नेविगेटर ये भी वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपयोगकर्ता के प्रमाणीकर्ता का सबसे प्रचलित तरीका है पासवर्ड। ये प्रोटेक्शन के लिए, जैसे आप लोग फेसबुक में अपनी ID बनाते हैं तो क्या होता है, पासवर्ड, ये प्रमाणीकरण के लिए होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए होता है।
HTML में M से क्या तात्पर्य है? जैसे कि मैंने अभी बताया HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो HTML का M का M स्टैंड फॉर मार्कअप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स के लिए आवश्यक है, ई कॉमर्स के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, जब ये तीनों चीज रहेंगे तब ई कॉमर्स की कंप्लीट होगी, ठीक है। ईमेल मैसेज में सीसी का अर्थ है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स इत्यादि क्या कहलाते हैं? ये सब होते हैं ब्राउजर, ठीक है, क्या होते हैं? ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इंटरनेट को एक्सेस करने की स्पीड इसमें मापी जाती है, तो जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो स्पीड मापी जाती है KBPS, यानी कि किलोबाइट पर सेकेंड। कभी भी इंटरनेट पे हम एक्सेस करते हैं, ब्राउज करते हैं, तो जो स्पीड मापी जाती है वो मापी जाती है KBPS, किलोबाइट पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करने को क्या कहते हैं? उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। यदि इंटरनेट से आप किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो उसको कहा जाता है डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सहायता से विश्व में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर कार्यरत कंप्यूटर यूजर एक दूसरे के साथ बातचीत अथवा या एवं ग्राफिक्स व टेक्स्ट को पहुंचा सकते हैं? तो वो है इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से आप किसी से बातचीत कर सकते हैं, कोई ग्राफिक्स या टेक्स्ट को पहुंचा सकते हैं ईमेल के माध्यम से। डैश सुविधा द्वारा इंटरनेट से एक कंप्यूटर पर काम करते हुए विश्व में किसी एक भाग में स्थित कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, उसको कहते हैं टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? टेलनेट एक प्रकार की सुविधा होती है। किस प्रकार की सुविधा होती है? जिसमें इंटरनेट के द्वारा एक कंप्यूटर पर काम करते हुए विश्व में किसी एक भाग में स्थित कंप्यूटर को एक्सेस किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IN का आशय है, मींस IN स्टैंड फॉर इंडिया, ठीक है। .com स्टैंड फॉर कॉमर्शियल, .org स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, .edu स्टैंड फॉर एजुकेशन, ठीक है, वेबसाइट में यूज होता है। निम्न में से किसकी सहायता से दुनिया के किसी भी दूरभाष स्थान में कंप्यूटर में वेब पेज को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है? तो वो होता है www, वर्ल्ड वाइड वेब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? दूसरे प्रोग्राम से ईमेल संदेश के साथ भेजा गया एक अलग दस्तावेज। यानी किसी ईमेल में हम कुछ अटैच करके सेंड करते हैं, फोटोज, इमेज, पीडीएफ, तो उसी जो अटैचमेंट होता है, यानी कि दूसरे प्रोग्राम से ईमेल संदेश के साथ भेजा गया एक अलग दस्तावेज, वो जो दस्तावेज है, यानी कि वो फोटो हो सकता है, कोई पीडीएफ हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, वही अटैचमेंट को कहते हैं ईमेल अटैचमेंट। जंक ईमेल किसको कहते हैं? जंक ईमेल कहते हैं स्पैम को। स्पैम का अर्थ ही होता है SPAM, स्पैम का मतलब होता है फालतू, ठीक है। तो जंक ईमेल यानी कि जो खराब ईमेल होता है, फालतू, तो जो जंक ईमेल होता है उसको कहते हैं स्पैम को। जब इनबॉक्स से, ईमेल में जो इनबॉक्स होता है वहां से मैसेज जब डिलीट करते हैं तो 30 दिन तक रहता है ट्रैश में, उसके बाद मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। आप जो मैसेज डिलीट करेंगे वो मैसेज कहां जाता है? ट्रैश में जाता है। ये जो वेबसाइट है इसका जो URL है, ठीक है, इसमें HTTP किसका हिस्सा होता है? तो HTTP होता है प्रोटोकॉल का हिस्सा, और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है, तो ईमेल भेजते समय जो सब्जेक्ट का लाइन होता है वो विषय की वस्तु के बारे में बताती है। सामान्य लेन की डाटा संचरण दर कितना होती है? जो सामान्य संचरण का डाटा दर होता है वो 1 से लेके 100 MBPS तक होता है। कितना होता है? 1 to 100 MBPS। सबसे पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर बनाया गया था मार्क एडिशन के द्वारा। जो सबसे पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर था वो मार्क एडिशन के द्वारा बनाया गया था। निम्न में से विषम चुनिए, इसमें से अलग को चुनना है, तो याहू अलग है, क्योंकि याहू क्या है? याहू एक सर्च इंजन है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का अर्थ क्या होता है? तो एटीएम का अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या फिर इसको कह सकते हैं असार्कोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है, ये कंप्यूटर के टर्म में है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल क्लाइंट है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल क्लाइंट है। ओके नेक्स्ट है, फोन लाइन और मॉडम का उपयोग करते हुए बनाए गए इंटरनेट के कनेक्शन को डायल अप कनेक्शन कहते हैं। तो डायल अप कनेक्शन किसको कहते हैं? फोन लाइन और मॉडम का उपयोग करते हुए बनाए गए इंटरनेट के कनेक्शन को डायल अप कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ बेस्ट ऑफ लक।